टैली चैप्टर 129 टीडीएल सेशन चल रहा है हमारा। और आज के टीडीएल सेशन में मैं आपको फिर से एक बार कोडिंग सिखाने वाला हूँ थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से, जिससे आपकी टीडीएल लर्निंग और बेहतर हो जाएगी। आज के इस सेशन में आप पूरी कोडिंग जो भी मैं आपको सिखाऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ब्लॉग लिंक से भी कॉपी कर सकते हैं फ्यूचर में प्रैक्टिस करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आप सीखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको कोड सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा अपनी तसल्ली के लिए आज के सेशन में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। नीचे आप एग्जाम्पल रिपोर्ट देख रहे हैं, एक्स से मैंने इसे एक्सेस करना होता है। इस रिपोर्ट में मैंने बनी बनाई रिपोर्ट की दो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप बिगनर हैं तो दो इन्फॉर्मेशन ही शो कराई है और उसका कोड लिखा है। तो जब हम दो इन्फॉर्मेशन शो करा सकते हैं तो हम 2000 इन्फॉर्मेशन भी शो करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लोजिंग बैलेंस शो किया हुआ है आपके लेजर ग्रुप का कैश इन हैंड का, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर्स कैश। मैंने कैश का सिलेक्शन एंटर, नीचे यहाँ से 11,940 इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दैट, सो इट इज सिमिलर टू द सेम वन, यहाँ से आ गया। ऊपर मैंने रिपोर्ट का नाम दे दिया है राजीव कस्टम रिपोर्ट और ये दिया है। बाकी आप रिपोर्ट की कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें बदल भी सकते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल इसको ब्लैंक करके थ्योरी की तरह, जैसे मैं अपनी क्लास में बैठ करके खड़े होकर के व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपका हाथ पकड़ करके कोडिंग सिखाना शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर। कोडिंग सिखाते वक्त मेरा फोकस एक चीज़ पर रहता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे सीख सकता हूँ, वही टेक्निक ट्रिक मैथडोलॉजी मैं अपने सभी व्यूअर्स के साथ में इस्तेमाल करता हूँ क्लास ऑनलाइन देते वक्त। जैसे मैं प्रैक्टिकली उनको थ्योरी क्लास में हाथ पकड़ करके एक एक पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं मदद करता हूँ। तो अभी हमारा थ्योरी चैप्टर 2 चल रहा है, पहला जो है उसकी वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले चैप्टर का वीडियो लिंक है, तो उससे आपको थ्योरी नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको मदद मिलेगी पहला लेसन कैसे हमने डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि टीडीएल कोडिंग के साथ उसमें प्रैक्टिकल भी ऐड किया हुआ है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम समझ गए कि हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहले मेन्यू, रिपोर्ट, फॉर्म, उसके बाद में पार्ट और उसके लाइन और फील्ड्स में जा कर के तैयार होता है। तो इस तरीके के पैटर्न से ही आप एक सिंपल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आपको हमेशा शुरुआत इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है वो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारे रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो इसी पैटर्न में चल रहा है। हमने रिपोर्ट ली जिसमें हमने मेन्यू का जिक्र किया, उसमें ऑब्जेक्ट को ऐड किया, इन सभी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही डिस्कस करके बता चुका हूँ थ्योरी चैप्टर 1 के अंदर, लेकिन थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी था इसलिए आपको यहाँ पर फिर से बताया गया। तो ये उसी पैटर्न को देखिए फॉलो कर रहा है। मैंने यहाँ तक लिया इसको, यहाँ तक तैयार कर दिया, तो ये वही पैटर्न था ठीक है जिनका इस्तेमाल हमने किया है। अब इसको मैं सिंपल तरीके से आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एक्चुअल में है कैसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा। कोई भी रिपोर्ट आप बना लो, किसी भी तरीके की रिपोर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ये मैंने मिनिमम कंटेंट तैयार किया हुआ है, इस मिनिमम कंटेंट को ही आपने
बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप जो हमारा थ्योरी चैप्टर 1 था वो जरूर कवर कर लीजिएगा। अब नोटपैड पे चलते हैं, अपने नोटपैड पे कैसे कोडिंग की गई है इसकी। नोटपैड पर मैंने इसको थोड़ा गैप दे करके आपके लिए कर दिया है। यहाँ तक हमारा डेटा डिस्प्ले कर रहा है, टैली पर ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया क्योंकि हमने वहाँ लिखा ही, ये कंटेंट है। अब इसके साथ में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। बदलाव क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का जो नाम है वो अभी भी माय रिपोर्ट आ रहा है। आप माय रिपोर्ट को बदलना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है, जो रिपोर्ट आपने लिखी हुई है, ये मैंने इसको ये कर दिया, हाँ, तो जो रिपोर्ट लिखी हुई है इसका एक टाइटल ऐड कर दो आप। मैंने जैसे टाइटल, और इसका टाइटल मैंने दिया माय कस्टम रिपोर्ट, ठीक है, सेव कर दीजिए। और आप अपने टैली पर चलिए, वहाँ मैं तो F5 का इस्तेमाल करता हूँ, आप इस्तेमाल करेंगे ऑल्ट कंट्रोल टी F4 तो वो ले लेंगे। थोड़ा सा मैं स्केप आ रहा हूँ और F5 कर रहा हूँ यहाँ पर। अब एग्जांपल देखते हैं, तो अब जो रिपोर्ट का नाम है वो देखिए यहाँ पर माय कस्टम रिपोर्ट आ गया। तो जिस तरीके की रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं उसी तरीके का टाइटल आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आज का बदलाव हमारा हुआ। अब एक और एक से ज़्यादा लाइनों के इस्तेमाल के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ रहा है, राइट साइड में कोई बटन नहीं है, बटन आप क्रिएट करो या एक रेडीमेड टेम्पलेट का इस्तेमाल कर लो। जैसे मैं यूज़ DSP टेम्पलेट का इस्तेमाल करता हूँ, आपने पिछले सेशन में देखा। और उसको ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी लिख दूंगा और वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको उसको सही जगह प्लेस करना है। जैसे मैं इसको यहाँ पर पार्ट में रखूँगा, तो इसलिए एक दो दिन की क्लास में आप रिवाइज करेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। कंट्रोल S सेव, और मैं रिफ्रेश करता हूँ F5 से, आप ऑल्ट कंट्रोल T करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में और टॉप में बटन्स आ गए हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर आपके फॉर्म का, रिपोर्ट का तैयार हो जाता है और आपने कोडिंग करनी तो सीख ली है। अब बारी आती है कि कंटेंट क्या क्या डिस्प्ले कराया जाए। तो अब जो हम कंटेंट डिस्प्ले कराने वाले हैं, फिलहाल हम किसी बने बनाए रिपोर्ट में से इंफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं हम लेजर से शुरू करते हैं, हम किसी लेजर का ग्रुप नेम ढूंढते हैं और साथ साथ उसका ओपनिंग तो हो भी सकता है, नहीं, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस को शो कराएंगे। अब ऐसा कराने के लिए आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे अपना ये सेटेज है, इसमें से टेक्स्ट को मैं मूव करने वाला हूँ, यहाँ से हटाऊँगा। अब लाइन, जो अपनी लाइन है उस लाइन में मैं बदलाव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं आगे की कोडिंग, या फील्ड को नीचे कर सकते हैं। अगर आप फील्ड को नीचे कर देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, नहीं तो एक छोटी सी डिस्प्ले में रिपोर्ट में गड़बड़ आएगी, वो दिखाता हूँ कैसे। पहले शुरू करते हैं, मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट फील्ड, ठीक है, फील्ड ले लेते हैं। मैं फील्ड्स ले लेता हूँ क्योंकि मैं एक से ज़्यादा का इस्तेमाल करूँगा, अभी दो लाइनों में दिखाना है तो इसलिए मैंने फील्ड्स ले लिया, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट फील्ड्स ले लिया आपने, आपको कंटेंट छोटा शो करना है तो शॉर्ट प्रॉम्प्ट लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट बड़ा शो करना है, लॉन्गर, तो लॉन्ग प्रॉम्प्ट लीजिएगा। अगर मीडियम शो करना है तो मीडियम लीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। अब हम लोकल फील्ड का इस्तेमाल करने वाले, यहाँ पर एक कॉलन छूट गया, लोकल फील्ड, जो आपने प्रॉम्प्ट ऊपर रखा है वही प्रॉम्प्ट आपको नीचे यूज़ करना है।
ठीक है, जो प्रॉम्प्ट आपने शॉर्ट रखा है अगर तो शॉर्ट लेना, अगर लॉन्ग रखा है तो आप लॉन्ग ले लेना, PROMPT, ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब सेट एज, क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई आप शो कराओ लेजर ग्रुप नेम। अब यहां मैं शॉर्ट नेम दे रहा हूं और यहां बड़ा टेक्स्ट लिख रहा हूं तो छोटी सी श्रिंक हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, वो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। और यहां पर मैंने इसको बोला डॉलर कि भैया मुझे लेजर का ग्रुप नेम दिखाओ, तो हम उसमें पेरेंट का इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड लेजर नेम, पेरेंट हमने ग्रुप का नाम ले लिया, तो पेरेंट कॉलन, और फिर मैंने उसको बोला लेजर, फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे जिस लेजर का दिखाना है, कैश लेजर का दिखाना आप मुझे। अब कैश लेजर का ग्रुप नेम तो कैश इन हैंड होता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। ऊपर यहां पर आप यूज कमांड का इस्तेमाल कर लेना नेम फील्ड के लिए, ताकि वो नेम फील्ड दिखा दे वहां पर, ठीक है। तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ और सिर्फ पुरानी रिपोर्टिंग में ये लाइनें ऐड की और यहां पर ये लाइनें मॉडिफाई करके ऐड कर दी है, ठीक है, सेव करते हैं। अब होगा क्या है, थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा, मैनेज कर लेंगे, F5, ये हो गया। अब उल्टा क्या है, देखो कि कैश इन एंड लेफ्ट में आ रहा है, लेजर ग्रुप नेम राइट में, और श्रिंक होकर के आ रहा है, सिकुड़ करके आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो क्या करना है, बस ये जो फील्ड है इस फील्ड को यहाँ से कट करके नीचे ले आना है, सेव करो और यहाँ जा करके रिफ्रेश करो, ये हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। अभी श्रिंक वाले पोर्शन पे मैंने काम नहीं किया, तो श्रिंक वाले पोर्शन को मैं इसको कर देता हूँ मीडियम प्रॉम्प्ट, MEDIUM, मीडियम, ठीक है। इसमें स्पेलिंग्स बहुत मैटर करती है, स्पेलिंग, स्पेस, कॉमा, ये जरा से भी गड़बड़ हो गए तो आपका एरर शो करने लग जाएगा, इसलिए बिल्कुल सटीक टाइप कीजिएगा, ये हो गया, सेव कर लेते हैं इसको कंट्रोल एस, और अब जाके शो कराते हैं टैली पर F5 के माध्यम से। ये हो गया मीडियम प्रॉम्प्ट लेजर ग्रुप नेम, पूरा आ गया स्पेस के साथ, कैश इन हैंड, आप इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। नहीं तो अब आप समझ ही चुके हो, तो आप लेजर नेम कर दो, इसको वापस शॉर्ट पे कर दो, ठीक है, यहां शॉर्ट है, यहां भी शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट हो गया, सेव कर दीजिए, चलिए टैली पर F5 कीजिए, आ गया, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं, ये ठीक चल रहा है तो इसमें भी चलेगा, तो लेजर ग्रुप नेम भी चलेगा, शॉर्ट लॉन्ग मीडियम भी ले सकते हैं। और आप चाहो तो इस फील्ड का नाम यहां से उठा के ये जो आपने लोकल फील्ड्स रखा है कॉमा यहां पर रख दीजिए, और ये फील्ड डिलीट कर दीजिए आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम एक से ज्यादा लाइनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहली लाइन तो हो गई हमारी सेव, यहां कोई फर्क नहीं पड़ना है इसका, ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक से ज्यादा लाइन चाहिए तो ऊपर जो हमने लाइन डिफाइन की है वहां पर नई वाली लाइन का नाम दे दीजिए। चलो मैं इसको माई रिपोर्ट 1 कर देता हूं, वैसे तो माई लाइन करना चाहिए ताकि ये दिखे, तो माई रिपोर्ट 1 का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और ये बाकी सारे का सारा कंटेंट ना सेम आ जाएगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूँ आपके लिए, टाइप कर देता हूँ कोई बात नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया, थोड़ा गैप बना के यहाँ पर एक नई लाइन ऐड कर दी मैंने, उस लाइन का नाम रखा माई रिपोर्ट 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। और फिर मैंने उसको बोला लेफ्ट फील्ड्स, और मैंने इसको बोला कि उसको शॉर्ट प्रॉम्प्ट रखना, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, कॉमा करके मैं रिपोर्ट का नाम भी यहीं, लाइन का नाम सॉरी, रिपोर्ट 1 कर देता हूँ, नई फील्ड लगाने से हम बच जाएंगे।
लोकल पे चलते हैं, लोकल पोलन फील्ड एंड देन मैंने बोला शॉर्ट प्रॉम्प्ट रखा है ऊपर, तो यहाँ भी शॉर्ट प्रॉम्प्ट ले लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने इसको बोला कि भाई सेट एस पे आप मुझे शो करना, क्या शो करना, सेट एस मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया। नीचे ये एक फील्ड है, दूसरी फील्ड को तैयार करते हैं, दूसरी फील्ड का नाम दे देते हैं, सो एफ आई ई एल डी, और फील्ड का नाम था माई रिपोर्ट वन, ब्रैकेट क्लोज, यूज कमांड में आपने दिया नेम फील्ड, ठीक है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस लाना है, तो सेट एज, और सेट एज में आपने बोला डॉलर डॉलर क्लोजिंग बैलेंस चाहिए मुझे, कौन से लेजर का, वो लेजर का नाम मैंने यहाँ रख दिया कैश, ठीक है, या मैंने कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया, कई बार बैड फॉर्मूला एरर आ जाता है, आप भी मत करना, कभी कभी यहाँ फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ हो जाती है। सेव कर लेते हैं, एक बार उड़ती हुई नज़र डाल देते हैं हमने क्या किया अभी तक। अब मैंने एक लाइन का नाम डिफाइन किया, दैट इज़ माई रिपोर्ट वन, और यहाँ मैंने लेफ्ट फील्ड्स तो सब कुछ ठीक था जो आ चुका है, नीचे वाला माई रिपोर्ट वन, लेफ्ट फील्ड्स शॉर्ट प्रॉम्प्ट माई रिपोर्ट वन, लोकल फील्ड ठीक है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट सेट इज क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, और यहाँ दे दिया ग्रुप, दैट इज फील्ड माई रिपोर्ट, तो ये पुराना था, नए वाले में फील्ड माई दैन रिपोर्ट वन, यूज नेम फील्ड सेट इज डॉलर क्लोजिंग बैलेंस कॉलन लेजर कॉलन कैश। सेव कर देते हैं, टैली पर चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इसको F5 मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो शो करने लग गया। आप चाहें तो अपने सिस्टम पर चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर, और उसमें कैश, जो कैश है वो कैश है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना कैश टोटल दिखा सकते हैं, 11940 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और यहाँ पर 11940 ही दिखाना चाहिए इसको, 11940, ये आपने सक्सेसफुली डिस्प्ले करा दिया। और बदलाव जो आपको करने हैं वो आप आसानी से इसमें बदलाव कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सो एंड सो ये सब चीज़ें करना, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको लोकल फील्ड में बदलाव करना है, ठीक है। लोकल फील्ड मैंने कहा कलर, मान लेते हैं कलर, और मैंने कलर बोल दिया इसको ब्लू, ठीक है। सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं, और लोकल फील्ड, अच्छा फील्ड मैंने उसका नाम शॉर्ट प्रॉम्प्ट लेना है, नहीं तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट प्रॉम्प्ट कलर ब्लू। टैली पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस ब्लू कलर में हाईलाइट होने लग गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इस क्लोजिंग बैलेंस को आप अलाइन कर दो सेंटर, तो मैंने कहा अलाइन कर दो सेंटर। सेव करो, टैली पर चलो और F5 करो, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस सेंटर। अच्छा, हो सकता है कि आपको ये क्लोजिंग बैलेंस में सेंटर नज़र ही ना आए, वो क्यों,
बेसिकली क्या है कि ये शॉर्ट प्रॉम्प्ट में है, अगर लॉन्ग प्रॉम्प्ट में होता तो आपको ये बिल्कुल सेंटर अलाइन होकर के ही दिखता। अभी मैं छोटा सा इसको जूम इन जूम आउट से आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको हटाया, कंट्रोल एक्स सेव, और यहाँ जा कर के F5 करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश। मैंने दूसरा बटन प्रेस किया, एस्केप, F5 करना है मुझे, F5, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। तो लॉन्ग प्रॉम्प्ट रखेंगे आपके लिए विजिबल आसानी से हो जाएगा इसके लिए। तो ये कंटेंट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड रिपोर्ट के कुछ कंटेंट्स को डिस्प्ले कराया, अब हम अपना कंटेंट इसमें ऐड करेंगे। अब मैं एक बार सारी चीज़ें आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वैसे मेरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिविज़न इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो साथी बीच में से जुड़े हैं तो उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। जो लोग रिविज़न करना चाहते हैं मेरे साथ चलते रहिए, जिन्हें छोड़ना है तो यहाँ तक की वीडियो उनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कमांड हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली पर एक ऑप्शन अपने को चाहिए, वो ऐड करना होगा। तो मैंने ऐड करके आइटम दे दिया और मैंने उसका नाम रख दिया एग्जाम्पल रिपोर्ट। इस बार मैंने पोजीशन चेंज कर दी, एग्जाम्पल रिपोर्ट रखा, देन डिस्प्ले कराया उससे डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्या कराया मैंने, मैंने उससे बोला कि न्यू रिपोर्ट, माई रिपोर्ट ही रखते हैं, रिपोर्ट ध्यान रहेगा, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन ऐड हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा लेकिन अभी उसका फंक्शन कुछ भी नहीं है। आप इतने पे भी फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आगे ले लेता हूँ, रिपोर्ट। सो रिपोर्ट में आपने उसी रिपोर्ट का नाम रखना है जो आपने डिस्प्ले में ऐड किया था। तो कॉपी किया मैंने रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का मुझे एक नाम भी चाहिए, तो टाइटल, मैंने रिपोर्ट का टाइटल दे दिया यहाँ पर राजीव कस्टम रिपोर्ट। टेक्स्ट में बदलाव आप कर सकते हैं। टाइटल के बाद हमें एक फॉर्म चाहिए, हम फॉर्म ले लेते हैं। सो फॉर्म, और फॉर्म का नाम सेम रख दिया हमने। इसके साथ में मुझे फॉर्म ब्रैकेट में चाहिए, तो फॉर्म ब्रैकेट में ले लिया मैंने। यहाँ तक पहुँच गए, अच्छा। तो अब इसके बाद में हमारा शुरू होता है FFB के बाद में आपने पढ़ा होगा PPB, तो पार्ट शुरू होता है, पार्ट, और पार्ट का नाम रख दिया, ब्रैकेट में ले लेते हैं पार्ट, पार्ट, और मैंने इसमें दे दिया माय रिपोर्ट, ये रहा। अब बारी आती है लाइनों की, इतना करने के बाद में हम लाइन लेंगे। तो लाइन मुझे दो चाहिए, तो मैंने दोनों लाइनों का नाम रख देना है। एक का नाम तो मैंने सेम रख दिया माय रिपोर्ट, दूसरी लाइन का नाम रखा न्यू लाइन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वैसे आप दोनों का नाम बदल भी सकते हैं। तो मैंने इतना रखा लाइन। अब इसके बाद पहली वाली जो लाइन है उसकी डिस्क्रिप्शन हमें डालनी है लाइन, और यहाँ पर डिफाइन किया मैंने ये जो अपना माय रिपोर्ट वाला है, इस लाइन को, पहली लाइन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी कमांड इस्तेमाल की, जिससे इस लाइन के सारे कंटेंट को मैं डिस्प्ले करा पाऊँ, ठीक है। और टेम्पलेट वगैरह तो हम बाद में यूज़ कर ही लेंगे, जैसे मैंने पार्ट में यूज़ कर भी रखा था, उसको हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही चुका है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हमें कंटेंट लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ये हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे लेफ्ट में चाहिए या राइट में। तो मैंने इसको बोला कि भाई ये जो लाइन है इसको मुझे लेफ्ट फील्ड, एक से ज़्यादा बनाए तो मैंने फील्ड्स लिख दिया, आगे नहीं तो परेशान करता रहेगा। तो लेफ्ट फील्ड्स रखा मैंने, और इस लेफ्ट फील्ड में प्रॉम्प्ट बताना है कि जो कंटेंट आएगा वो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। मैंने कहा
short prompt. या आप इसको लॉन्ग रखेंगे तो लॉन्ग भी ले सकते हैं, मैं लॉन्ग दे देता हूं, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, ठीक है जी। अच्छा, आप अपनी फील्ड का नाम यहीं डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फील्ड का नाम रखा माय फील्ड, FIELD फील्ड वन, माय फील्ड वन चलेगा, ठीक है। इसके बाद लोकल, लोकल फील्ड, लोकल फील्ड जो हमने लगाई है उसमें यही लॉन्ग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल हम कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा लॉन्ग प्रॉम्प्ट आ गया। और ये क्या दिखाएगा, ये मैंने इसको बता दिया, सेट एस मुझे चाहिए, इसमें चाहिए, अब की बार मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, अमाउंट आ जाएगा, ये रहा, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहो तो उसमें फिर कलर वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड कर दोगे आगे। पहली लाइन तो हो गई, दूसरी लाइन बिल्कुल सेम बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट। बदलाव क्या होना है, एक तो ये होना है कि ये जो लाइन का नाम है वो क्या रखा है आपने, याद ना हो तो ऊपर से न्यू लाइन ले रखा है, ठीक है। न्यू लाइन में कन्फ्यूज़न है तो न्यू लाइन वन कर दो आप, ठीक है, और इसी को कॉपी कर लो। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर लाइन का नाम दूसरे में ये सेट कर दिया। अच्छा, माई फील्ड वन की जगह पर माई फील्ड टू कर देते हैं, दो फील्ड का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। और इसको मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ पर लेजर ग्रुप नेम दिखाएं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न पर काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कोडिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैं आपको जानबूझ करके रिवाइज करा रहा हूँ अपनी तसल्ली के लिए। अच्छा, यहाँ तक हो गए। अब जो हमने दो फील्ड्स ली है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा फील्ड हो गया, फील्ड पहले वाली फील्ड का नाम था माई रिपोर्ट, जिसमें अपने को बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। तो यूज नेम फील्ड, ठीक है, और सेट एज में हमने कमांड ले ली कि भैया आप मुझे दिखाओ डॉलर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और ये मुझे चाहिए किसका, मैंने दिया लेजर और उसका नाम दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में कैश, जो हमने अभी प्रैक्टिस की है, ये हो गया। अब सिमिलर पैटर्न पर हमें दूसरी फील्ड तैयार करनी है, तो कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा बदलाव करूँगा, इसका नाम बदलूँगा, क्योंकि इसका नाम और इसका नाम दोनों का बदलना है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो माई फील्ड वन और टू लेना है हमें, तो मैंने यहाँ कर दिया माई फील्ड वन और यहाँ कर दिया माई फील्ड टू, ठीक है, नेम फील्ड हो गया। और यहाँ मुझे चाहिए डॉलर पेरेंट, ठीक है जी, ये पेरेंट हो गया हमारा, इतना काम कंप्लीट। कंट्रोल एस सेव, टैली पर चलते हैं और यहाँ जाके आपने स्केप F5 रिफ्रेश किया और रिपोर्ट का नाम वो आ गया एग्जाम्पल रिपोर्ट, एक्स से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, लॉन्ग प्रॉम्प्ट होने के कारण ये फुल लेंथ के साथ में आ रहा है, ठीक है। और इसने ग्रुप नेम और अमाउंट शो करा दिया है, ऊपर हमने रिपोर्ट का नाम रखा ही है राजीव कस्टम रिपोर्ट, तो राजीव कस्टम रिपोर्ट आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा टैली चैप्टर 129 यहाँ कंप्लीट होता है। अब टैली चैप्टर 130 की ओर बढ़ते हैं।